कोरोना संक्रमण के चलते बंद हुई अंबाला से दिल्ली जाने वाली बस सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद अंबाला रोडवेज विभाग ने बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके बाद बस यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। व्यापारियों का कहना है कि बस न चलने से उन्हें दिल्ली जाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, ऐसे में अब रोडवेज विभाग ने दिल्ली के लिए बस सर्विस शुरू करके बड़ी राहत दी है। सर देखो, अंबाला का मेन व्यापार दिल्ली से तो होता ही है बहुत, और आने जाने में व्यापारी भी सारे जाते हैं वहाँ पे, तो दिल्ली की व्यापारी से अगर बसें चली हैं तो बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत स्टाफ जाता है काम करने के लिए, जो परचेजिंग पे जाते हैं लोग उनको बहुत फ़ायदा होगा, और अंबाला से काफ़ी लोग जाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने। जैसे ये सेकेंड जो कोविड था उसके बाद दिशा निर्देश के जो भी था, तो जो संचालन था तो वो धीरे धीरे जैसे डिमांड थी उस हिसाब से अंबाला डिपो और बाकी डिपो द्वारा चलाया जा रहा था। तो अभी हाल फिलहाल में मुख्यालय द्वारा ये निर्देश हुए हैं कि क्योंकि अब सवारियाँ बढ़ने लगी हैं तो दिल्ली के लिए फिर से अब प्लान शुरू किया है। अभी फिलहाल 4 बसें शुरू की गई हैं और सब डिपो नारायणगढ़ की तरफ से भी बसें चलाई जाएंगी। जैसे ऐसे डिमांड बढ़ती है 50% जो अभी दिशा निर्देश हैं उस हिसाब से प्लान किया जाएगा। और थोड़ी पंजाब में जो कि अब सवारियाँ वापस आ रही हैं जो कि प्लान हुआ था यहाँ से, तो उनके लिए भी जो है पंजाब में भी अब ज़्यादा बसें कर दी गई हैं। और जैसे जैसे ये खुलेगा तो यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान जहाँ पे भी बसें नहीं भेजी जा रही हैं तो वहाँ पे भी। बता दें कि अंबाला छावनी के अलावा अब नारायणगढ़ से भी दिल्ली के लिए बसों का संचालन होगा, जिसके चलते अब यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। हालांकि बसें चलाने का फैसला कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखकर लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसारने लगा तो संभव है अंबाला से दिल्ली बस सेवा फिर से बंद कर दी जाए। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।